गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 11th क्लास से लिया हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखते, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास H2O है और ये H2O 10 डिग्री टेम्परेचर पे, ये H2O 10 डिग्री टेम्परेचर पे है और हमें इस H2O को -10 तक ले जाना। इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी कितनी चेंज हो, यहाँ पर एक डेटा दे रखा है और वो डेटा गिवन है डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल गिवन, साथ में एडिशनल डेटा सप्लाई किया हुआ है कि सीपी H2O लिक्विड मतलब हीट कैपेसिटी H2O की, ठीक है ना। सीपी H2O और आगे लिक्विड की दे रखी है 75.3, 75.3, और इसकी यूनिट है जूल पर मोल पर कैल, जूल पर मोल पर कैल। दूसरा एडिशनल डाटा हमें दे रखा है सीपी H2O सॉलिड की, और ये वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 36.8। यूनिट दोनों की सेम है। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि ये एक स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये कई सारी स्टेज में कन्वर्ट होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेज इसमें लगेंगी। सबसे पहले H2O 10 डिग्री से H2O, ठीक है ना, लिक्विड 10 डिग्री तक जाएगी। H2O सॉल्ड लिक्विड 10 डिग्री से H2O लिक्विड 0 डिग्री तक जाएगा। दूसरे स्टेप में H2O लिक्विड 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पर सॉलिड में जाए, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप ये है कि फिर ये H2O सॉलिड में कन्वर्ट होगा -10 डिग्री। तो हमें इन तीन डिफरेंट स्टेट की एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले स्टेट में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी जो डेल्टा एच होगी वो इसकी डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर हो, इसकी जो डेल्टा एच होगी वो इसके फ्यूजन के बराबर होगी 6 पॉइंट। दूसरी बात, हर एक स्टेप में टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट लिबरेट होगी। अब एन एच में, सीपी में और इसमें रिलेशन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सीपी इक्वल टू होती है डेल एच बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अगर हमें इसकी एच निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा एच इक्वल टू सीपी और डेल्टा टी। ऐसे ही हमें यहां पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा एच 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी सीपी इनटू डेल्टा टी। क्लियर, तो शुरू करते हैं प्लानिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट में क्या हुआ, H2O लिक्विड से उसमें कन्वर्ट हुआ और टोटल जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो है 10 केल्विन का। चेंज हम हमेशा, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो डिफरेंस हमेशा इसमें आएगा, तो सीपी की वैल्यू है 75.3 और टेम्परेचर में चेंज है 10। इसकी यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर की यूनिट भी है केल्विन, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 753 माइनस में, क्योंकि हीट लिबरेट हुई। प्लस इस वाले स्टेप में टोटल कुछ हुआ ही नहीं है तो 6.0, ठीक है ना, किलो जूल है, जबकि ये वाला पार्ट जूल में है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की यूनिट्स बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। यूनिट इसलिए बराबर करेंगे क्योंकि हमें यूनिट सेम चाहिए। प्लस अब तीसरा पार्ट, फिर से सीपी की वैल्यू सॉलिड की जो है वो है 36.8, प्लस यहाँ पे फिर से 10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज हुआ और ये सारे ही वैल्यू नेगेटिव में आएंगे, ठीक है ना, या हम इसको प्लस कर लेते हैं और एंड में एक ओवरऑल माइनस साइन लगा,
ये हमारी सारी यूनिट आ गई हैं, और ये सारी के सारी यूनिट जूल में, इन सारी यूनिटों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इन सारी यूनिटों को हम ऐड कर देंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगी 7151। थाउजेंड से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट यहां आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 75 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 753 हो गया ये वाला पार्ट। इसको 6000 कर लिया और ये हो गया। थोड़ा बहुत डेटा में पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो गया ये 6000.0, और ये हो गया 368, और ये हो गया 753। तो ये 1 आ गया, 0.0, 6 और 5 11 और 2 हो जाएगा, फिर कैरी किया 1 10 1, तो ये रिजल्ट आया 7121.0, ठीक है ना, जूल में, जूल पर मोल। अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 7.21 आ जाए। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ठीक है ना। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी हीट का चेंज होगा उसको हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया N2+3H2 2NH3, और इसमें डेल्टा H और यहाँ R लिखा हुआ है, और ये है 90.6 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ रिएक्शन, अमोनिया की हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इनकी ये फ्री स्टेट में है तो ये जीरो होंगी, ठीक है। तो जो भी हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर है वो अमोनिया की फॉर्मेशन। अब एक बात ध्यान रखना, और वो क्या इम्पोर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी चीजें हैं वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है, लेकिन लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन गिवन मोल के लिए निकाली जाती है। तो इस रिएक्शन में जो हीट निकली है उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और उसमें कहता है कि इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, या अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर 2 मोल्स हैं और हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल की ही निकाली जाती है। तो हम इस 90.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर। अब हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, हीट चेंज ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है। नंबर फर्स्ट फैक्टर का नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमने अमाउंट कितना लिया है, हम कितना अमाउंट बना रहे हैं, या हमने रिएक्टेंट कितना लिया है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल C+O2 की रिएक्शन कराई तो CO2 लिब्रे बनी, और इसमें डेल एच की वैल्यू होगी कितनी, जो फिक्स है T93 पॉइंट पर, मतलब हमने 44 ग्राम CO2 बनाई तो इतनी हीट निकली, या हमने 12 ग्राम कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन से तो इतनी हीट निकली, या फिर हमने 32 ग्राम ओटो को कार्बन से रिएक्ट कराया तो इतनी हीट निकली। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन साथ के साथ यहीं पे कर लेते हैं।
अगर 44 ग्राम CO2 बनती है तो 393 किलोजूल हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसकी जगह 35 ले ले, 35 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करें तो कितनी हीट निकली, ठीक है ना। तो 44 से 393 निकलती है, तो 35 ग्राम CO2 से रिलीज होगी, 393.5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 40, जो स्लाइडली थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहला फैक्टर जिस पर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती, दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मीन्स है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कैसा है, उसकी स्टेट क्या है। अगर प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो जाएगी तो हीट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगी। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। एग्जांपल, हमने H2 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन करी तो अलग अलग तरीके, एक रिएक्शन में हमने इससे H2O लिक्विड बनाया और दूसरे तरीके से हमने H2O गैस बनाई। क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट का नेचर बदल गया है तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगी। जब ये गैस बनता है तो डेल एच की वैल्यू अप्रोक्स माइन प्लस नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो 241.5 किलोजूल पर मोल होती है। लेकिन जब ये लिक्विड बनता है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 286 के आसपास होती है। तो हीट का चेंज क्यों आया, क्योंकि जब लिक्विड से गैस में बदला तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसमें एब्जॉर्ब कर ली, तो ये अमाउंट कम हो गया। तो दूसरा फैक्टर, अगर हम सब्सटेंस का मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नेचर बदल देंगे तो भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा, नेचर ऑफ एलोट्रॉप। ये क्या हीट ऑफ रिएक्शन पर एलोट्रॉप्स का फर्क पड़ता है, तो हम यहाँ पर CO2 बनाते हैं और देखते हैं। हमने C+O2 को बर्न किया और CO2 बना। अब ये जो C हमने लिया है वो ग्रेफाइट है, यहाँ पर मैं ग्रेफाइट लिख देता हूँ। दूसरे वाले केस में जब मैंने C और O2 की रिएक्शन कराई तो अब की बार डायमंड ने रिएक्शन करी है, तो क्या इन दोनों की हीट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी। तो अगर हम एलोट्रॉप्स का नेचर बदल देते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ जाता है। जब ग्रेफाइट को जलाते हैं तो डेल एच की वैल्यू -393.5 होती है और डेल एच डायमंड के केस में 393.5, 93 नहीं 95 होता। तो देखो, जब मैंने एलोट्रॉप्स बदल दिया तो हीट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आ गया। यहां से फिर एक इंसाइट मिलती है और वो इंसाइट क्या होती है, जिस रिएक्शन में ज्यादा हीट लिबरेट होती है, उसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है और रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है। क्योंकि ग्रेफाइट वाले में कम हीट लिबरेट हुई है इसलिए ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली डायमंड से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ग्रेफाइट के केस में 393.5 किलोजूल हीट प्रोड्यूस हुई है जबकि डायमंड के केस में 395.5 किलोजूल हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। तो जिस रिएक्शन में ज्यादा हीट लिबरेट होगी, ध्यान से सुनना और लिख लेना, ये क्वेश्चन बनाती है, जिस रिएक्शन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसका प्रोडक्ट तो स्टेबल होगा और रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है और रिएक्टेंट स्टेबल हो, क्लियर। तो हमने डिस्कस किया तीसरा फैक्टर ये है था कि नेचर ऑफ एलोट्रॉप्स। अब हम फोर्थ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फोर्थ फैक्टर हमारा है कंडीशन ऑफ रिएक्शन।
रिएक्शन की कंडीशन क्या है। हमने रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे किया है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन H2O लिक्विड को जब मैंने H2O गैस में बदला तो इसकी जो डेल्टा H थी वो 40.6 किलोजूल पर मोल। डेल्टा एच का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन की गई है। किसमें की गई है? कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन की गई है। अब वो हमको कहता है कंडीशन चेंज कर दो, तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में ये रिलेशन होता है प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसको हम कभी कभी क्यूपी इजुकल टू क्यूबी प्लस डेल एन जी आर टी भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी हमको पता है 40.6 है, और हमें कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में निकालना है। डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि हम इस लिक्विड को कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ प्रोडक्ट में ही 1 मोल होगा, तो 1 × 8.314। और ये रिएक्शन 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम लेते हैं तो 373। अब टेक्निकल पार्ट ये है कि ये किलो जूल में है और आर की यूनिट जूल में होती है, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा ई की लमसम वैल्यू 37.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो हमने जब रिएक्शन चेंज, रिएक्शन की कंडीशन चेंज की कांस्टेंट प्रेशर के बजाय कांस्टेंट वॉल्यूम फैक्टर यूज किया, तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कम हो गई है। मतलब अगर हम H2O को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस में बदलेंगे तो हमें कांस्टेंट प्रेशर के कंपैरिजन में कम हीट का यूज करना पड़ेगा। अब चल रहे हैं अब आखिरी फिफ्थ फैक्टर, क्या टेम्परेचर भी, क्या टेम्परेचर पर भी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है? हाँ भैया, टेम्परेचर पर भी करती है, और टेम्परेचर और हीट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन किरचॉफ इक्वेशन होता है। किरचॉफ इक्वेशन में डेल्टा एच टू इजुकल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल सी पी और T2 − T1 का यूज किया जाता है। अगर हम डेल्टा ई का यूज करेंगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा E2 डेल E1 प्लस अब CV आएगी, हीट कैपेसिटी, क्योंकि डेल्टा E कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में निकाली जाती है। और तो ये हमारी हुई हीट ऑफ रिएक्शन की तरीके कि कौन कौन से मेथड पर किस किस फैक्टर पर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती। अब हम इसको समझने के लिए कुछ एक न्यूमेरिकल्स करें। क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ व्हाट इज डिफरेंस ऑफ क्यू पी एंड क्यू बी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। एट 298 केल्विन टेम्परेचर रिएक्शन हमारे पास ये गिवन है 2C6H6 15O2 कन्वर्ट इनटू 12CO2 प्लस 6H2। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये आप जानते हैं ये गैस है, और ये भी आप जानते हैं गैस। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हम बेंजीन को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर अलग अलग जलाएं तो उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना।
दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, मींस वो हमसे पूछ रहा है डेल्टा एच और ई का डिफरेंस कितना होगा। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और इस ई को इधर लाकर माइनस कर लिया। अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी निकालने के लिए प्रोडक्ट में देखेंगे कितने गैस हैं, तो 12 गैस, और रिएक्टेंट में कितनी गैस है, 15 गैस है, तो -3 मोल हो जाएगी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -3 हो गई, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन, और क्लोज जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। चॉइस है हमारे पास नंबर 1 -7.4, सेकेंड चॉइस +7.4, थर्ड 3.7, और फोर्थ चॉइस -3.7। सबसे पहले तो हम देखेंगे माइनस साइन आएगा, तो ये गया और ये गया, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये आ जाएगा -7.4। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। लेकिन अगर इस रिएक्शन को उसने यहां कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 15/2 कर दिया, और यहां पर 6CO2 बनाई और यहां पर 3H2O बनाई, तो अब ये जो 3 मोल्स का चेंज आया था वो 3 मोल्स का चेंज नहीं रहेगा, और 6 में से 7.5 CO2 को माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। उस केस में फोर्थ वाला आंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन से निकालते हैं तो -3.7 आंसर होगा, और इस डबल 2 वाली से निकालेंगे तो फिर इसका आंसर फर्स्ट हो। तो हमने यहाँ पर सीखा है हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक रिएक्शन है और रिएक्शन दे रखी है ये N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल से कराई। 3 मोल से रिएक्शन से ये 3CO2 में कन्वर्ट हो, प्लस इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन। इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन, इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां पर गिवन है, और वो क्या है देखते हैं। CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन 1110 किलो जूल है, जबकि CO2 की हम सब जानते हैं 393 है, या 393.5 भी लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी N2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 81 है, और N2O4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 9.7 किलो जूल है। सारी यूनिट किलो जूल पर मोल में गिवन है। अब क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। तो हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। प्रोडक्ट हमारे पास 2 है, एक तो 3CO2 प्लस N2, -2 रिएक्टेंट है 3CO और प्लस N2O। इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। जब हम इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 393 × 3, और ये माइनस वैल्यू, प्लस N2O की वैल्यू 81 है, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, माइनस 1CO की वैल्यू है तो 3 की 3 × −1110 प्लस N2O4 की वैल्यू 9.7 है। हम दोनों तरफ से इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू हमें अप्रोक्स इतने के आसपास मिलेगी, ठीक है ना। अब ये माइनस होगी कि प्लस, तो ये वाला पार्ट बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगी, तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन माइनस में होगी, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो।
तो ये था हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। आप इसकी हेल्प से कोई भी क्वेश्चन हीट ऑफ रिएक्शन का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे तीन हीट, कौन कौन सी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास